नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, ये करंट का पहला वीडियो है। ये जो करंट का वीडियो है, ये यूपी पीसीएस के थ्रू जो डीएचओ की वैकेंसी निकली है, उसकी जूनियर टेट की जो वैकेंसी निकली है, जूनियर अध्यापक, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की, उसके लिए जो करंट आएगा, उसके लिए मतलब कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए करंट बहुत ही ऑथेंटिक है। आप लोग इसको पढ़ते जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अभी हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया? मतलब देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र अभी हाल ही में बनाया गया है, वह कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका लद्दाख। लद्दाख में जो है अभी हाल ही में जो है सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र जो है बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना लॉन्च किया है? कितने जो है राज्यों के लिए, ये 6 राज्य हैं जिसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना का जो है शुभारंभ अभी जल्दी से जल्द किया है, आपको बता दें। ठीक, आगे आइए, हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, किस तारीख से फास्टैग को टोल भुगतान के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? अभी जो आप फास्टैग समझते होंगे, टोल टैक्स, जहां पे आप बस से जो है आप लोग जाते होंगे तो दिया जाता था, अब वो नगद वाली सुविधा जो है ख़त्म कर दी जाएगी। नगद वाली सुविधा जो है आपको जो है 15 फरवरी 2021 तक थी। ठीक है, नगद, उसके बाद जो है आप सब जो है फास्टैग हो जाएगा, जिससे जो है ईंधन की और समय की बचत होगी, जिससे गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा। ये अभी हाल ही में जो है सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो सबके लिए अनिवार्य किया गया है, 1 जनवरी 2021 से जो है इसको सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया, सभी गाड़ियों के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया है। आगे आइए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलुक मेडल से सम्मानित किया गया? मुलुक मेडल से सम्मानित किया गया, इसमें आपका विराट कोहली, ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे। इसमें अजिंक्य रहाणे, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी, तो जब दूसरे मैच में अजिंक्य रहाणे ने शतक मारा था तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है कहा गया था कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर के लिए जो है मुलुक मेडल दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है अजिंक्य रहाणे को जो है मुलुक मेडल से जो है वहाँ नवाजा गया था। ठीक है, और ये विश्व के पहले मुलुक मेडल पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अजिंक्य रहाणे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि विश्व में पहली बार जो है किसी को मुलुक मेडल जो है दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर, 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, तो इसके ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मिडोंका बनाए हैं। हाल ही में रेलवे ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है, सुनीत शर्मा को। रेलवे बोर्ड ने अभी हाल ही में अपना जो है नया चेयरमैन नियुक्त किया है सुनीत शर्मा को। ठीक है, इसके पहले वीके यादव करके कोई थे, उनके स्थान पर जो है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, इनका निधन हो चुका है। 31 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस बल्लेबाज को दिया गया? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो है अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जो है डाटा जारी किए गए हैं, तो इसमें जो है प्रथम स्थान किसे दिया गया है? प्रथम स्थान जो है मिला है, वो मिला है आपको केन विलियमसन को। ये केन विलियमसन न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज हैं, इनको प्रथम स्थान दिया गया है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इनको प्रथम स्थान दिया गया है। और बॉलर में मैं आपको बता दूं, रविचंद्र अश्विन जो है 7वें नंबर पे आईसीसी टेस्ट की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अश्विन जो है 7वें नंबर पे आ गए हैं, 2 अंकों का फायदा होकर 7वें नंबर पे पहुंच गए हैं। विराट कोहली भारत के हैं, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं, ये ऑलराउंडर बेन स्टोक हैं। ठीक है, इनके विषय में तो आप लोग जानते होंगे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के
वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जो है बनाने वाला, ठीक है, भारत का रेलवे है। उसका जो है हॉस्पिटल ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या? लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के प्रसार को आपदा घोषित किया है? तो केरल ने जो है आपदा घोषित किया है। भारत के गणतंत्र दिवस 2021 में कौन शामिल था? भारत के गणतंत्र दिवस 2021 में कौन शामिल था? कोई नहीं। देखो, 2021 गणतंत्र दिवस में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल होने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन कोरोना काल की वजह से वहाँ, हालांकि उस समय ज़्यादा फैला था, लॉकडाउन की वजह से उन्होंने जो है असमर्थता जता दी कि हम अब नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बोरिस जॉनसन आने थे लेकिन इन्होंने असमर्थता जता दी। जेयर बोल्सोनारो, ये पता है ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, और जिनपिंग, इनके विषय में पता है, ये चीन के पीएम हैं, ठीक है, जो भी हो। आगे जो है यहाँ से 12 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो इनको जो है बराबर लिखते रहना, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चाहे पीसीएस हो, चाहे आपको जूनियर टेट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एजीटीए हो, चाहे आपका शुगर केन हो, कोई भी एग्जाम होगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एजी एग्रीकल्चर वाले बच्चे, ठीक है, पढ़ते रहें, पेट आने वाला है, पेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यूपी ट्रिपल SC के थ्रू, तभी आप अन्य एग्जामों में जैसे लेखपाल, कृषि प्रविधिक सहायक जो परीक्षा होती है, गन्ना पर्यवेक्षक या अन्य कोई एग्जाम होगा, तभी उसमें आप बैठ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7379823368। अगर जिस किसी को AGTE पेट शुगर केन का नोट्स लेना चाहता है DHO का, तो इस पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।